पूजा हेगड़े ने साल 2016 में ये सोचकर बॉलीवुड में कदम रखा था कि वो अपनी अदाकारी से लोगों के होश उड़ा देंगी, लेकिन एक्ट्रेस वो सपना अभी तक पूरा नहीं कर पाई हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस जो साउथ में तो एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही हैं, लेकिन बॉलीवुड में फ्लॉप रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक बॉलीवुड उनके लिए अनलक्की साबित हुआ है। बड़े स्टार्स का साथ, नाम और बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद भी पिछले 7 सालों में वो एक भी हिट फिल्म नहीं कर पाई हैं और अभी तक वो उस फिल्म की तलाश में हैं। साउथ एक्ट्रेस पूजा हेगड़े आज अपने 34वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास दिन पर हम आपको पूजा हेगड़े की बॉलीवुड अनसक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताएंगे। पूजा हेगड़े ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ऋतिक रोशन के साथ मोहन जोदाड़ो से की थी। आशुतोष गोवारकर ने किया था। फिल्म की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता के उस दौर में दिखाई गयी है जब इसका वैभव चरम पर था। कहानी का पीरियड 2016 बीसी था। फिल्म में ऋतिक रोशन ने किसान का किरदार निभाया था, जबकि पूजा पुजारी की बेटी बनी थी। पूजा की पहली हिंदी फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। पहली हिंदी फिल्म डिजास्टर साबित हुई तो पूजा हेगड़े एक बार फिर से साउथ फिल्मों की तरफ रुख ले लिया, लेकिन जब वापस बॉलीवुड में कमबैक किया तो उन्हें अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी हाउसफुल 4। फिल्म ने बहुत ज्यादा तो नहीं कमाई की, लेकिन हाँ ठीक ठाक कमाई कर ली। लेकिन इस फिल्म में भी वो नाम नहीं मिला जिसकी वो ख्वाहिश रखती थी। रणवीर सिंह बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। हार ना मानते हुए उन्होंने रणवीर सिंह के साथ अपनी तीसरी बॉलीवुड फिल्म सर्कस में साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म भी लोगों के सिर के ऊपर से निकली। फिल्म अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाई थी और इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में एक बार फिर पूजा हेगड़े फेल हो गई। पिछले साल 2022 में पूजा हेगड़े राधे श्याम रिलीज हुई। इस फिल्म में वो बाहुबली फेम प्रभास के साथ दिखी। फिल्म में उन्होंने प्रेरणा नाम की डॉक्टर का रोल प्ले किया था। फिल्म को 350 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन दर्शकों को इसकी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। फिल्म के फ्लॉप होने से मेकर्स को 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। पूजा हेगड़े को इस बार साथ मिला सलमान खान का। फिल्म था किसी का भाई किसी की जान जैसी मल्टी स्टार फिल्म में पूजा लीड रोल में नजर आई, लेकिन भाग्य ने इस बार फिर धोखा दे दिया और फिल्म फ्लॉप हो गई। पूजा ने तमिल और तेलुगु सिनेमा में कुछ बेहतर सफल फिल्मों में काम किया है। इनमें रामचरण के साथ रंगस्थलम, एनटीआर जूनियर के साथ अरविंद समेता वीरा राघव, महेश बाबू के साथ महारिषि, अल्लू अर्जुन के साथ अल्लवेकंडु पुरमुला और विजय के साथ बिस्ट में शामिल है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें।